हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं केक बेस से एक बहुत ही आसान सा डीआईवाई बनाने वाली हूँ। केक बेस के ऊपर ये मैंने स्टेंसिल्स फिक्स किया है। इसके ऊपर टैल्कम पाउडर और फेविकॉल से बनाया हुआ टेक्सचर पेस्ट मैं इवनली अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा स्टेंसिल नहीं है तो आप किसी भी हार्ड प्लास्टिक शीट को कट करके कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। एक केक बेस के बाकी के हिस्से में टेक्सचर अप्लाई कर रही हूँ। इसके लिए मैं जैम स्प्रेडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ आपको स्केल को हॉरिजॉन्टली अप्लाई करना है। एक बार बेस लेयर हो जाने के बाद ऊपर से थोड़ा सा टेक्सचर पेस्ट डाल के मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हूँ कि जो नीचे और ऊपर का पोर्शन है उसके बीच में टेक्सचर क्रिएट हो जाए। 5 से 6 घंटे सूखने के बाद यह ऐसा दिखेगा। मैं इसको कोई भी और कलर नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही यूनिक लग रहा है। तो जो थोड़ा बचा हुआ पोर्शन है उसे मैं सिर्फ वाइट कलर से टचअप कर रही हूँ। इसका पूरा बॉर्डर मैंने व्हाइट पेंट कर दिया है। थ्री डी आउटलाइनर की मदद से आप अपना मनचाहा कोट इस पे लिख सकते हो।
यहाँ पे मैं ये क्लियर वार्निश अप्लाई कर रही हूँ। एंड दिस इज द फाइनल लुक। ये बहुत ही अच्छा और क्लासी DIY बनके तैयार है। तो कैसा लगा ये केक बेस इस्तेमाल करने का यूनिक आइडिया? अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलना।